अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर साइंस क्लास। प्रीवियसली बेटा आप लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में देखा था, ठीक है? तो फ्रिक्शन की आपने डिटेल देखी, आल्सो बेटा आपने उसके एग्जांपल्स देखी, देन फर्दर आपने लास्ट पे भी देखा कि कैसे टेक्सचर जो है वो फ्रिक्शन को इफेक्ट करता है। आपने वहाँ से ये समझा था कि अगर जो है वो सरफेस यानी कि फ्लोर थोड़ा सा रफ हो तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन अगर स्मूथ हो फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। आल्सो बेटा वहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई थी जहाँ पर ना एक पर्सन स्लिप कर रहा था, वो हमने वहाँ पर ये देखा कि फ्रिक्शन वहाँ पर बहुत कम है जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रिप नहीं है और हम स्लिप कर जाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है? अब हम बेटा फर्दर देखने लगे हैं फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पेपर आपके पेपर में बेटा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो अब आप उसमें से मतलब कुछ पॉइंट्स लिख देते हो, जैसे अभी मैं आपको करवाती हूँ। लाइक बेटा आपके पास क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है? बेनिफिट्स BENEFITS, ठीक है? बेनिफिट्स भी पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस एक ही चीज़ है। जब भी आपसे पूछेंगे आपने फिर यही जो अब हम पढ़ने लगे हैं बेटा वही लिखना है, ठीक है? सो सबसे पहले यहाँ पे आपने पूरा पैराग्राफ नहीं करना, फर्स्ट लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है, फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ आर शूज एंड द ग्राउंड हेल्प्स अस टू ग्रिप द फ्लोर सो दैट वी कैन नॉट फॉल डाउन। देखो बेटा हम कहते हैं जब भी हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे शूज और ग्राउंड में फ्रिक्शन होती है, वो जो थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है ना वो फ्रिक्शन ही बेसिकली हमें मूव करने में हेल्प कर रही होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमने क्या कहा है, हम फिर स्लिप करके गिर भी सकते हैं, ठीक है? इसी वजह से जब हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि अच्छा फ्रिक्शन जो है वो तो हमें बचा सकती है, कोई भी मतलब इस तरह से बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मूथ सर्फेस हो उसे अगर हमने बचना है, हम स्लिप ना करें, तो हमें चाहिए किसी तरीके से वहां पर हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करा दें, यानी जो स्मूथ सर्फेसेज हैं उसे हम थोड़ा थोड़ा रफ कर दें। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज करते हुए बेटा जो आइसी इन्वायरमेंट होता है ना मोस्टली, जहाँ पे हम कहते हैं बर्फबारी होती रहती है, तो फिर उनका जो फ्लोर होता है वो भी क्या होता है, फुल आइसी होता है। और आप देख सकते हो कि आइस कैसी बिल्कुल स्मूथ होती है, अगर आइस के ऊपर कोई वॉक करेगा तो वो गिर जाएगा। तो करते क्या है लोग जो है बेटा सैंड जो है रेत वो स्प्रिंकल कर देते हैं, वो स्प्रे कर देते हैं। अब सैंड रेत जब आइस के ऊपर होती है तो सरफेस थोड़ी रफ हो जाती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गई। तो इस तरह से हम कहते हैं सैंड इज स्प्रेड अक्रॉस आईसी पेवमेंट्स एंड रोड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए हम रोड्स पे, पेवमेंट्स पे यानी चलने वाली जगहों पे जो रेत है वो स्प्रे करते हैं, सो दैट फ्रिक्शन बढ़े और हम आसानी से वहाँ पे मूव कर सकें। फर्दर बेटा देखें आपको जो फुटबॉल का ग्राउंड है वो कभी आपने ऐसे देखे कि कोई मतलब बिल्कुल मार्बल फ्लोर पे फुटबॉल खेल रहा हो, ऐसे नहीं होता, इस तरह से ग्रासी ग्राउंड होता है। उसका पर्पज क्या है, दैट दिस सर्फेस मेक्स इट ईजियर फॉर फुटबॉलर्स टू प्ले, ठीक है? फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो ग्रिप अच्छी होगी। उसके बाद फर्दर बेटा फुटबॉलर के शूज जब आपने देखे भी होंगे, जो फुटबॉलर होते हैं उनके शूज के नीचे ये स्टड्स लगे होते हैं, ये स्टड्स किस लिए होते हैं, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो, ठीक है? और ग्रिप मतलब होल्ड करना ग्राउंड को काफी अच्छे से, मतलब ये ग्रिप कर सके। तो आप कर सकते हैं फुटबॉल शूज हैव स्टड्स अंडरनीथ देम, दिस इंक्रीजेस फ्रिक्शन, जिस तरह से प्लेयर जो है वो अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब प्रॉपरली वो स्टे कर सकते हैं, प्रॉपरली किक करेंगे तो ऐसा नहीं होगा किक करेंगे साथ ही गिर जाए कोई, ठीक है? तो इस वजह से फुटबॉलर जो होते हैं वो स्पेशल शूज पहनते हैं। उसके बाद फर्दर देखें बेटा आपको टायर्स दिखाए हुए हैं, जो गाड़ियों के टायर होते हैं या आपके जूते ही सपोज आप अपने जूते देखना, जो नए नए जूते होते हैं उसके नीचे आपको ग्रूव्स दिख रही होती हैं इस तरह से, ठीक है? कुछ ना कुछ निशान बने होते हैं, वो ग्रूव्स इस वजह से होते हैं ताकि आप किसी भी मतलब कोई स्लिपरी या स्मूथ सरफेस पर से मूव करो ना तो फ्रिक्शन हो और आप गिर ना जाए। लाइकवाइज बेटा ये जो टायर होते हैं इनमें भी ग्रूव्स होती हैं, वो ग्रूव्स इसलिए होती हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़े, फ्रिक्शन ज्यादा हो और गाड़ी के टायर जो है वो फिसल ना जाए, ठीक है? तो इसका मतलब है हम पर्पसफुली खुद जानते बूझते हुए इस तरह क्रिएट कराते हैं सो दैट कि हमारी गाड़ी जो है वो प्रॉपर चलती रहे। तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड अलोस कार्स टू मूव एंड स्टॉप सेफली, इससे कार मूव भी अच्छे से करती है और स्टॉप करना हो तो स्टॉप भी सेफली करती है, ठीक है? इसके अलावा बेटा अगर आप टाइम के साथ नोट करते जाते हो ना तो आप ये देखते हो कि टाइम के साथ साथ ये ग्रूव जो है ये बिल्कुल खत्म होती जाती है ना, टायर पुराना हो जाए, जूते अपने देखोगे तो पुराने जूते जो है बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो जाते हैं, ये जो ग्रूव बनी होती है ये बिल्कुल ग्रूव्स खत्म हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपके गिरने का खतरा होता है, ओके? उसके बाद फर्दर बेटा देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो आपने एडवांटेज तो इसका देख लिया, डिसएडवांटेज भी साथ हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, यानी नुकसान क्या होता है जब हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शन जो है
फ्रिक्शन जो है बेटा कम होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन के कम होने की वजह से जैसे किसी भी स्लिपरी सरफेस से मूव करेंगे तो गिर जाएंगे। अब इसमें जो आपने पॉइंट्स करने हैं, पहला पॉइंट देखें बेटा, अगर आपने किसी भी बड़े से बॉक्स को मूव करना है, अगर वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है तो आपके लिए मूव करना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कोई स्मूथ सरफेस है उस पर से आप बड़ी आसानी से बॉक्स को फर्दर मूव करा सकते हो। तो इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस रफ ग्राउंड। व्हाई इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज हेयर वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज मोर, फ्रिक्शन ज्यादा है। ओके okay? उसके बाद ये नीचे जो फर्दर बेटा मेंशन किया हुआ है, ये पैराग्राफ आपने नहीं करना। ओके बेटा, अब फर्दर जो नेक्स्ट पेज है उस पे देखें हम, अब डिसएडवांटेजेस कर रहे हैं। यहाँ से आपने ये फर्स्ट सेंटेंस किया, देन बेटा हम करने लगे हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे मेंशन किया हुआ है कि जो मशीन्स होती हैं, ठीक है, मशीन जब चलती रहती है आपको पता है टाइम टू टाइम खराब हो जाते हैं, उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो वेयर आउट कर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। वो किस वजह से डैमेज होते हैं? क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं आपस में बेटा, आपस में जब ये मूव करती है तो रगड़ लगती है, रगड़ लगने की वजह से इनके ये जो ग्रूव्स हैं वो भी तो थोड़ी थोड़ी हम कह सकते हैं ना खराब हो सकती हैं। आल्सो बेटा समटाइम इतनी खराब हो जाती है जब हम बहुत ज्यादा मशीन को चलाते हैं तो हम कहते हैं कि वो पार्ट्स ही वियर आउट कर जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको पार्ट जो है वो चेंज ही करवाना पड़ जाता है किसी भी मशीन में। तो हम कहते हैं कि सेकेंड जो हमारे पास डिसएडवांटेज आ गया वो ये है कि फ्रिक्शन की वजह से मशीन फ्रिक्शन कैन वियर आउट द पार्ट्स एंड डैमेज द मशीन। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड डिसएडवांटेज। तो बेसिकली बेटा आपने अभी तक टू डिसएडवांटेजेस किए हैं, फर्स्ट जो प्रीवियस पेज पे था, सेकेंड जो यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ तक बस आपके पास डिसएडवांटेजेस पूछेंगे, आपने यही दो लिखने हैं। फर्दर बेटा आपको बताते हैं कि हम कैसे फ्रिक्शन से बचा सकते हैं खुद को, ठीक है, आप इन मशीन्स को बाकी चीजों को कैसे बचाया जा सकता है। आपको पता है आपके घर में जो मशीन होती है, जो जिस पे कपड़े सिलाई करते हो, स्विंग मशीन होती है, ठीक है, उसमें आपको पता है आपकी मदर ऑयल डाल रही होती है, जो डोर होता है डोर पे भी ऑयल डालते हैं, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है ताकि वो लुब्रिकेंट जो है उसको स्मूथ करके रखे, फ्रिक्शन कम हो और जो मशीन जो जल्दी खराब हो जाने, जिसके पार्ट जल्दी खराब हो जाएंगे उन्हें बचाया जा सके। तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को खत्म कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। तो कल भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फर्दर, लेकिन कुछ पॉइंट्स इस टॉपिक में भी लिख दिया मैं, इस वजह से हमें इधर से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इनको जस्ट यहां से देख ले, जो जो हाइलाइटेड होगा वही बस लर्न करिएगा, सारा ना करिएगा। टू रिड्यूस फ्रिक्शन लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स किसे कहते हैं? ऑयल्स को कहते हैं, ठीक है, ऑयली सब्सटेंसेस लाइक ग्रीस एंड ऑयल आर यूज्ड, दिस प्रोटेक्ट्स द मशीन, ये मशीन को प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद अगला जो दूसरा पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया हुआ, कहते हैं जैसे पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टायर्स जो होते हैं गाड़ियों के बेटा, वो भी तो खराब हो जाते हैं ना, उनकी भी वो जो ग्रूव्स बनी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर इस पर्पज के लिए, क्या कर सकते हैं मतलब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें टायर ही बदलना पड़ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जूते पुराने हो गए उसके नीचे से वो ग्रूव्स खत्म हो गई तो आप कोई हल निकाल लें, हल बस एक ही है, आप दोबारा पैसे खर्चे और नए जूते ले लें। लाइक वाइज बेटा टायर्स का भी हम कैसे इशू रिजोल्व कर सकते हैं, हमें न्यू टायर्स जो है वो यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे बेटा लास्ट पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कोल्ड कंट्रीज में, आपको पता कोल्ड कंट्रीज में तो जो सरफेस है बर्फ की वजह से बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है, तो वो ऐसे टायर यूज करते हैं जिनमें ग्रूव्स काफी ज्यादा हो, एक्स्ट्रा ग्रूव्स हो, ताकि रोड के साथ ग्रिप अच्छी बनी रहे। तो बेटा आपने आज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किए हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करिएगा। कल इंशाल्लाह हम ना वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन करेंगे, जिसमें आप लोग ये लुब्रिकेंट वाला पॉइंट भी दोबारा डिस्कस करोगे, ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।